वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। वन और सब्स्टिट्यूशन सेगमेंट में आज हम पांच वन वर्ड देखेंगे। आज होगा 141 से लेकर के 145 तक के पांच वर्ड्स। शुरू करने से पहले जो लास्ट वीडियो था उसके पांच वर्ड्स को देख लेते हैं। पहला वर्ड था उसका पॉपुलस, घनी आबादी वाला, थिकली पॉपुलेटेड, पॉपुलस बोलते हैं। दूसरा पोर्टेबल, वहनीय, दैट विच कैन इजली कैरीड, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। फिर था पोस्थमस, पोस्थमस मीन्स मरणोपरांत, बर्न आफ्टर द डेथ ऑफ वंस फादर। दूसरा है पब्लिश आफ्टर द डेथ ऑफ द राइटर। फिर प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी मीन्स धनतंत्र, और अ गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी और द रिच क्लास। एंड द लास्ट वॉज पॉपुलर, लोकप्रिय, वन हु इज लाइक्ड और एडमायर्ड बाय ऑल। तो आज के पांच वर्ड्स को देखते हैं। आज के पांच वर्ड्स है, पहला पोस्टमार्टम, यहाँ पे लिख दिया है प्रोनाउंसिएशन पोस्टमार्टम, हिंदी होती है शव परीक्षण। दूसरा है स्पेंडथ्रिफ्ट, स्पेंडथ्रिफ्ट यहाँ पे देखिए लिखा है स्पेंड एंड देन थ्रिफ्ट, लेकिन इसमें डी साइलेंट होता है, तो पढ़ते हम इसे स्पेंडथ्रिफ्ट, इसलिए ऊपर लिखा है स्पेंडथ्रिफ्ट। इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी होती है खर्चीला। इसके बाद स्पोक्स पर्सन, ध्यान रखना है स्पोक नहीं, स्पोक्स यहाँ पे एस रहेगा, स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता। स्टोइक है नेक्स्ट वर्ड, स्टोइक मीन्स उदासीन। फिर सुसाइड, और इसके हिंदी है आत्महत्या। पहला जो पोस्टमार्टम है, शव परीक्षण है, आप जानते हैं जब किसी शव की परीक्षण की जाती है डॉक्टर्स की टीम के द्वारा, उसे शव परीक्षण बोलते हैं। तो डेड बॉडी यहाँ पे एक वर्ड है जिसकी हिंदी हो जाएगी शव। तो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, एक शव का चिकित्सीय परीक्षण। तो शव का चिकित्सीय परीक्षण क्या कहलाता है, आप जानते हैं शव परीक्षण कहलाता है। इसके लिए इंग्लिश है पोस्टमार्टम। यहाँ पे पोस्ट के स्पेलिंग याद रखेंगे आप आसानी से, लेकिन मोर्टम में टी के बाद ई ध्यान रखना है आप सबको। पोस्टमार्टम मिस स्पेल्ड में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो स्पेंडथ्रिफ्ट है, इसकी हिंदी होती है खर्चीला, मतलब बिना सोचे समझे खर्च करने वाला, खूब खर्च करने वाला, खर्चीला बोलते हैं। देखते हैं, अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रिकलेसली, ऐसा आदमी जो अपने पैसे रिकलेसली मतलब बेतहाशा खर्च करता है, उसे बोलते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट, उसे बोलते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट। इसका ऑपोजिट भी याद रखिए, क्योंकि ऑपोजिट भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ऑपोजिट इसका होता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब क्या हो जाएगा, मित व्ययी, इसकी हिंदी हो जाएगी मित व्ययी, इकोनॉमिकल का। इकोनॉमिकल जैसा ही एक समानांतर मतलब सिनोनिम वर्ड है जिसको बोलते हैं फ्रूगल, फ्रूगल, तो यह भी याद रखना है। तो कह सकते हैं कि स्पेंडथ्रिफ्ट का अपोजिट दो है, इकोनॉमिकल भी है और फ्रूगल भी है। और यह भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल और फ्रूगल दोनों सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है एक दूसरे का। तो 42nd नंबर तो हो गया, 142nd। नाउ स्पोक्स पर्सन मतलब प्रवक्ता, प्रवक्ता किसे कहते हैं, किसी पार्टी की तरफ से चाहे किसी कंपनी की तरफ से कोई बोलने वाला होता है उसे प्रवक्ता बोलते हैं। देखिए, वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर, वन हु वह जो स्पीक्स बातचीत करता है, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ एक प्रेपोजिशन है, इसकी हिंदी होती है की ओर से। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ, यहाँ पे अदर मतलब दूसरे, दूसरे की ओर से जो बोलता है, दूसरे की ओर से प्रतिनिधि बनकर बोलता है, उसे बोलते हैं स्पोक्स पर्सन। एस को ध्यान रखना है आपको, प्रवक्ता हिंदी में। स्टोइक मतलब उदासीन। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। प्लेजर मतलब आप जानते हैं आनंद, खुशी भी कह सकते हैं, पेन मतलब दुख भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे खुशी कर देता हूँ, हर्षव से होता है खुशी। तो इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंट का मतलब ही यही होता है, उदासीन। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है उदासीन मतलब जिसपे न अम्ल का न क्षार का, हाँ, किसी का कोई असर नहीं पड़ता है, उसे उदासीन कहते हैं हिंदी में, आप जानते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन
मतलब एक आदमी जो इनडिफरेंट उदासीन होता है टू प्लेजर एंड पेन, खुशी और दुख से, मतलब खुशी हो तभी कोई बात नहीं, दुख हो तभी कोई बात नहीं, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता है, कोई भाव ही नहीं बनता है उसके चेहरे पे, उसे बोलते हैं उदासीन। उदासीन को यहाँ पे ही उदासीन ही कहेंगे, और यहाँ पे इसकी अलग अंग्रेजी है वो है स्टोइक। तो स्टोइक का सिनोनिम्स इनडिफरेंट कह सकते हैं आप, इनडिफरेंट और स्टोइक एक दूसरे का सिनोनिमस है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि सिनोनिम्स भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, सिनोनिम्स एंटोनिम्स थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। आगे सुसाइड है हिंदी आत्महत्या, मतलब अपनी हत्या। द टेकिंग ऑफ वन्स ओन लाइफ, अपने खुद की जिंदगी को ले लेना कहते हैं सुसाइड, आत्महत्या। तो आज के जो पांच वर्ड्स, पोस्टमार्टम, शव परीक्षण, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, स्पेंडथ्रिफ्ट, खर्चीला, अ पर्सन हु स्पीक्स, स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली, रेकलेसली का लिखा है बेतहाशा, स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता, वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर, स्टोइक उदासीन, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, सुसाइड आत्महत्या, द टेकिंग ऑफ वंस ओन लाइफ।